Hello everyone, so today in this video we will be going to continue our session with order and ranking. So last lecture में हम order and ranking में हमने ये देखा था कि हम अगर मैं थोड़ा सा revision कर लें तो order and ranking में हमने last lecture में कुछ इस तरीके से देखा था कि अगर हमें किसी भी एक variable का rank पता हो from left end and right end तो हम total निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम अगर हमें किसी भी वेरिएबल का रैंक अगर टॉप से पता हो और बॉटम से पता हो तो भी हम टोटल निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हमने इसके बाद देखा था इंटरचेंज का कंसेप्ट। इंटरचेंज के कंसेप्ट में हमने क्या देखा था, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के संग अपनी सीट को इंटरचेंज करता है और दोनों ही पर्सन में से किसी एक पर्सन का रैंक अगर हमें दोनों एंड से पता चल जाता है, मतलब मैं पर्सन के रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो उस पोजीशन के रैंक की बात कर रहा हूँ, वो पोजीशन का रैंक अगर हमें दोनों एंड से पता चल जाता है तो हम उसका टोटल निकाल सकते हैं। अगेन टोटल का फॉर्मूला क्या था, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। हमने अभी तक ऑर्डर एंड रैंकिंग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एंड दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे और ये वाले फॉर्मूले को आपने हाईलाइट करके लिखा होगा, ठीक है। नाउ हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ और हम नया कंसेप्ट शुरू करते हैं। बट नया कंसेप्ट शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जिस क्वेश्चन को छोड़ा था आइए हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या क्वेश्चन लिया था, इंटरचेंज के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था जिसमें ए का रैंक ए इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट, ए का जो रैंक है वो सिक्स्थ है फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड बी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मतलब ए की जगह बी आ जाएगा एंड बी की जगह ए आ जाएगा, तो हमने इंटरचेंज कर लिया, ए बिकम्स 18th फ्रॉम द राइट एंड, ए बन गया है 18th फ्रॉम द राइट एंड। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल लिया है इस रो में तो आपने बहुत गलत किया है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज आप देखिए यहाँ पर जो ए जहाँ पर पहले बी था अब जिस पोजीशन पे ए है, मैं उस पोजीशन की बात कर रहा हूँ जिस पे पहले बी था और अब ए है, उस पोजीशन का रैंक आपको दोनों ही रैंक आपको एक ही एंड से दिया है एंड दैट इज़ राइट एंड और वो है 18th। टोटल का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। आपको राइट एंड ही दिया है, ना तो लेफ्ट दिया है और ना ही टोटल दिया है, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन आप नहीं निकाल पाएंगे, हेंस इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड था देन यू आर गोइंग गुड, और अगर आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं था तो आपका आंसर गलत था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड कब आ सकता है, ठीक है। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और हम हमारा लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, आज हम कंसेप्ट देखेंगे थोड़ा सा ऑर्डर का। अभी तक हमने रैंकिंग को थोड़ा ठीक से पढ़ा है, अब हम थोड़ा सा ऑर्डर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि देर आर फाइव पर्सन की बात हुई है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन सी, डी इज ग्रेटर देन बी, ई इज द ग्रेटेस्ट, ई इज द ग्रेटेस्ट, डी इज लेस देन D is less than C, okay, then 5th least। अब आपको लीस्ट फाइंड करना है, आपको ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपको ऑर्डर आपने कभी पढ़ा नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आपने कभी नहीं पढ़ा है और आपको ये जो इक्वेशंस हैं ये
इनको आपको अरेंज करने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे मैं बेसिक अप्रोच बताऊंगा एंड देन फिर हम थोड़ा सा ट्रिक की तरफ मूव होंगे, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है उसकी तरफ बाद में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी उनने दिया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि सी कहाँ पर और रिपीट हो रहा है, तो देखो सी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो सी के संग सी को जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए डी कहाँ पर आ रहा है, तो डी यहाँ पर मिल रहा है हमको, तो डी इज़ ग्रेटर देन बी। अब क्या कहा है, ई इज़ द ग्रेटेस्ट, तो ई सबसे यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। और ये साइन क्या डिनोट करती है, ये साइन ये डिनोट करती है कि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये क्या शो कर रहा है, ये लार्जर, ग्रेटर, टॉलर, ये सारी चीज़ें शो करता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने ड्रॉ करा है लार्जर वाला, वो इससे रिलेटिवली लार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली स्मॉलर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये सब हम थर्ड फोर्थ की क्लास में करते थे कि फोर इज ग्रेटर देन थ्री, हम करते थे कि नहीं, फोर इज ग्रेटर देन थ्री, तो हम कैसे लिखते थे, तो हम इस तरीके से लिखते थे, फोर और थ्री बीच में कौन सी साइन आती थी, ग्रेटर की। अब इसी को अगर अपोजिट साइन में लिखना है तो फोर और थ्री, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, या फिर फोर इज लेस देन फाइव अगर और एक वेरिएबल ऐड कर दे तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखिए हमारी ये एक्सप्रेशन बन गई। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन बनी है उसमें इसने पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट, लीस्ट पूछा है मतलब सबसे लोएस्ट, तो ये तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, ई तो सबसे हाईएस्ट है, तो लोएस्ट कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि ए ई से छोटा, सी ए से छोटा, डी सी से छोटा एंड बी डी से छोटा। तो बी डी से छोटा है और डी सी से छोटा है, सी ए से छोटा है, ए ई से छोटा है, तो सबसे छोटा बी हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और ये क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा नॉर्मल था, नॉर्मल सा था इसीलिए, बट यहीं पे अगर क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से आ जाए, अब जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि देर आर फाइव पर्सन, देर आर फाइव पर्सन, ए इज स्मॉलर देन ओनली बी, ए इज स्मॉलर देन ओनली बी एंड डी इज लार्जर देन ओनली ई, डी इज लार्जर देन ओनली ई, देन हु इज सिटिंग इन दी मिडल, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करेंगे कि जो ए है, ए की जो बात हुई है वो स्मॉलर तो है किससे, बी से, बट यहाँ पर ओनली वर्ड आया है, ओनली वर्ड पे ज़्यादा हम एम्फसाइज करेंगे। ए इज स्मॉलर देन बी बट ओनली बी, ए इज स्मॉलर देन ओनली बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ए छोटा तो है बट ए सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा है। तो अगर हम पांच लोगों की बात कर रहे हैं तो हम पहले सबसे पहले ये पांच प्लेसेस को फिक्स कर देंगे, और अगर हम ये वाली साइन लेके चलते हैं तो यहाँ पर ए है वो कहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ये कहा है कि ए इज स्मॉलर देन बी बट ए इज ओनली स्मॉलर देन बी, मतलब ए सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डी की बात हो रही है, डी इज लार्जर देन ई, डी लार्जर तो है ई से बट ओनली ई से लार्जर है डी, मतलब डी सिर्फ और सिर्फ ई से ही लार्जर है। कहने का मतलब डी को आप कहाँ पे रखेंगे, डी को आप यहाँ पे रखेंगे, ओ सॉरी, डी को आप यहाँ पे रखेंगे कि डी बड़ा तो है ई से बट सिर्फ और सिर्फ वो ई से ही बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, ठीक है। तो बचा कौन होगा,
सी बचा होगा क्योंकि क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली मेंशन नहीं करा है, बट मैं अगर 5% ए से ई तक की बात करूं तो बीच में कौन बचा होगा? सी बचा होगा, ए बी सी डी और ई। तो अब आंसर क्या है? आंसर आएगा मिडल वाला, तो देख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है? ये है ऑर्डर, बस इतना ही एग्ज़ाम्स में आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी को थोड़ा सा एलाबोरेट करूँ और ये कह दूँ कि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए का जो वेट है वो दे रखा है 160, या लार्जर और स्मॉलर की बात करिए तो ए की हाइट दे रखी है 160 सेंटीमीटर और डी की हाइट दे रखी है 135 सेंटीमीटर। तो वो क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वॉट वुड बी डी पॉसिबल, वॉट वुड बी दी पॉसिबल हाइट ऑफ सी, सी की पॉसिबल हाइट क्या हो सकती है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान एकत्रित करेंगे, सी की उसने पॉसिबल हाइट पूछी है, तो आप पॉसिबल हाइट में ऑप्शन में जो दिए होंगे उनके हिसाब से चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ऑप्शन दे दिया 134, बी 133, सी 140, डी 170, ई 180, तो बताइए आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 140। वाई 140? बिकॉज 140 जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 140 जो है वो 135 से बड़ा है और 160 से छोटा है। और क्यों 135 से बड़ा और 160 से छोटा हमको चूज़ करना है? क्योंकि सी की जो हाइट है वो ए से छोटी है और डी से बड़ी है, और यहाँ पर उसने पॉसिबल हाइट का जिक्र किया है, तो पॉसिबल हाइट 140 आएगा। बट अगर यहाँ पर उसने ये कह दिया होता वॉट वुड बी दी हाइट ऑफ सी, उसने पॉसिबल वर्ड को हटा दिया होता, तो हमारा आंसर होता एफ एंड दैट वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वाई? बिकॉज सी की हाइट हो सकता है 136 हो, सी की हाइट हो सकता है 159 हो, कुछ भी हो सकती है 135 से 160 के बीच में, तो वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। कब? जब यहाँ पर पॉसिबल नहीं लिखा होता तब। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि अगर ओनली वर्ड इस्तेमाल किया गया होगा, कि ओनली ओनली ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन अगर इस्तेमाल किया है तो वो जो वेरिएबल है वो सेकेंड में आएगा फ्रॉम फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से उसकी प्लेस कहाँ पर होगी? सेकेंड पोजीशन पे होगी। अगर 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 हम ये वाली साइन लेकर चल रहे हैं तो, और अगर वो ये कह रहा है कि ओनली स्मॉलर देन दैट वेरिएबल, अगर वो ओनली स्मॉलर देन कह रहा है तो हमारी साइन, हमारा जो वेरिएबल होगा वो होगा सेकेंड पोजीशन पे फ्रॉम लेफ्ट एंड। इफ एंड ओनली इफ अगर हम ये वाली साइन को कंसिडर कर रहे हैं तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन इज, यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अमोंग सिक्स स्टूडेंट्स, अमोंग सिक्स स्टूडेंट्स ए इज टॉलर देन, ए इज टॉलर देन ओनली बी, ए इज टॉलर देन ओनली बी एंड बी इज, जस्ट अ मिनट, बी इज एज टॉल एज सी, हु इज नॉट एज टॉल एज डी
is the tallest and F is taller than D. Find the find the second tallest person. क्लियर है? अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको इसे सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट लेक्चर हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसी तरीके से हम शॉर्ट वीडियोज़ में एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. थैंक यू सो मच.